अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे और हेल्दी होंगे। और हर वेट लॉस चैलेंज के नीचे एक मैसेज आ रहा होता है कि मेरा बहुत वेट है, मेरा वेट कम नहीं होता, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आप यहाँ से स्टार्ट ले लें। ये जो आज का डाइट प्लान है, ये मैं एक बेसिक अगेन डाइट प्लान लेके आई हूँ, जो ना सिर्फ आपका वेट तेजी से लूज कराएगा, आपके स्टमक को जो है वो श्रिंक करेगा, आपके बेली फैट्स को रिमूव करेगा, पेट की चर्बी कम होगी। तो बेसिकली वो लोग जिन्हें फिर समझ नहीं आता कि हमने डाइट कर रही है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो दिस इज द पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। बीपी, शुगर, डायबिटिक्स जो हैं, और जो मदर्स हैं जिनके सी सेक्शंस हुए हैं, किसी भी किस्म की आपको इलनेस है, ये डाइट प्लान आपके लिए टोटली सेफ है। और जो बहुत मोटे लोग हैं, जो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं कि नहीं जी, हम लोगों का तो इतना वजन हो गया, हम लोगों का वेट अब कम हो ही नहीं सकता, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करें, क्योंकि यही मोटिवेशन जो आपने अपने अंदर जगानी है, यही आपकी वेट लॉस में हेल्प करने वाली है। तो अपना डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो उठते ही आप लोगों ने सबसे पहले अपनी प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक लेनी है। इस ड्रिंक के लिए आपने एक छोटी चम्मच सफेद जीरा 1.5 कप पानी में बॉईल करें। जब ये 1 कप रह जाए तो इसको छान के आपने इस अंदर आप 1/4 टीस्पून ब्लैक कॉफी का ऐड करेंगे, इंस्टेंट कॉफी जो होती है, और इसके साथ आप इसमें आधा लीमू निचोड़ लेंगे। ये एक बेहतरीन किस्म की आपने अपनी बॉडी को सुबह उठते ही फैट बर्निंग ड्रिंक प्रोवाइड कर दी है, जो कि आपको एनर्जी भी देने वाली है, क्योंकि इसमें कैफीन होती है कॉफी में। कॉफी की कम अमाउंट लाजमी नजर में रखिएगा, क्योंकि फिर आप लोग जब पूरा पूरा चम्मच कॉफी का लेना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको एसिडिटी होती है, और कॉफी का बेनिफिट मिलने की बजाय आपको उसका नुकसान मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये ड्रिंक पीने के बाद आप लोगों ने करनी है एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 20 से 25 मिनट। अब आपने वर्कआउट करना क्या है? सबसे पहले दीवार पकड़ के दौड़ना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाके जमीन को लगाने हैं, और ये पॉस्चर आपने गहरे गहरे सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर जाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, और कम से कम आपने 20 मरतबा शुरू में करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको रोज 5-5 करके बढ़ाते जाना है। और जिन लोगों को कमर दर्द का इशू है, तो वो बहुत ज्यादा नीचे पाओं को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने घुटनों तक जाएंगे। इसके अलावा आप लोग जंपिंग जैक्स करें। जो जंपिंग जैक्स नहीं कर सकते, उसकी मॉडिफिकेशन ये होती है, बहरहाल आपने म्यूजिक लगा के 20 से 25 मिनट इंतहाई मोटिवेटिंगली कोई वर्कआउट करना है, और आपकी एक्टिव हो जाए और बॉडी फैट लॉस फेज में आ जाए। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट आपका है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने लेना है पॉरेज, यानी कि दलिया। 4 टेबलस्पून जौ का दलिया आपने 1/2 कप दूध और 1/2 कप पानी में पकाकर इसके ऊपर 1/2 टीस्पून हनी ऐड करनी है। इसके ऊपर आपने 1/2 टीस्पून ही फ्लैक्स सीड का पाउडर, अलसी के बीज का पाउडर, आपने अलसी को तवे पे रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लें। ये भी बेहतरीन फाइबर सोर्स है, सुपर फूड्स में आता है, तेजी से बॉडी से बैड जो कोलेस्ट्रॉल है उसे खत्म करता है और फैट लॉस कराता है। इसके अलावा आप अपने दलिये पे किसी भी किस्म का फ्रूट ऐड कर सकते हैं। एक फ्रूट आपको डेली अलाउ होगा, किसी दिन आप बनाना स्मॉल ऐड कर लें, किसी दिन आप एप्पल ऐड कर लें, सेब का इस्तेमाल कर लें, बहरहाल जो भी आपके लिए आसानी से अवेलेबल फ्रूट जो है वो आप अपने दलिये में ऐड कर सकते हैं और ये इंजॉय करें। उसके बाद आ जाएगा हमारा तकरीबन 12 से 12 बजे के करीब एक स्नैक का टाइम। इस टाइम पे आपने या तो 3 खजूरें लेनी है या फिर आपने 2 इंजीर लेनी है। ये बेस्ट मल्टीविटामिंस हैं, स्किन की ग्लो आपकी थ्रू आउट द डाइट प्लान नहीं जाने वाली, और आपकी बॉडी को सैगी नहीं होने देते, बहुत इसमें बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप लोगों ने इनको कंज्यूम कर लेना है। उसके बाद लंच के टाइम पे आप लोगों ने लेना है 2 अंडों का ऑमलेट, एग वाइट्स का ऑमलेट आप लोगों ने बना के खाना है। और जिन जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो एग्स यूज नहीं करते, वो सिंपल जो है एक वेजी बोल अपनी मर्जी की सैलड का फिल करके उसमें कोई भी हैंडफुल बीन्स डाल लेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी के इसमें मिर्च मसाले ऐड करें। नमक आप लोगों ने अवॉइड करना होता है, बाकी जो जितनी मिर्चें और जितने मसाला जात होते हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जो कि वेट लॉस में फिर हेल्प करता है। तो आप भुना हुआ जीरा डालें, धनिया ऐड करें, आप लीमू निचोड़ें, इसमें अपनी मर्जी के आप अपने चार्ट में हर्ब्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शाम की चाय का जो टाइम होता है उस टाइम पे आप लोगों ने, अच्छा इसके बाद आ जाएगा शाम के स्नैक का टाइम। शाम के स्नैक के टाइम पे आपने 1 मुट्ठी भुने हुए चने या 10 बादाम लेने हैं, इन दोनों में से, या 1 मुट्ठी आप पॉपकॉर्न्स भी ले सकते हैं, इनमें से एक ऑप्शन की तरफ आपने जाना है।
और इससे आप इसके साथ साथ अपना, अच्छा इसके एक ऑप्शन की तरफ जाना है और साथ आपने अपनी वाटर इनटेक थ्रू आउट द डे बेहतरीन रखनी है। अच्छा एक टिप देती जाऊंगी कि जिसको भी बहुत ज्यादा भूख लगे, इसको फेक भूख भी कहते हैं, तो उठ के आपने पानी का एक ग्लास पीना है, आप नोटिस करेंगे कि फौरन से पहले आपकी भूख सुप्रेस हो गई है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा डिनर का टाइम। डिनर से पहले आप लोगों ने एक छोटी चम्मच इसबगोल की पानी में मिक्स करके पीना है। इससे आप थोड़ा फुल फील करेंगे, आपके पेट में ऑलरेडी फाइबर गया होगा तो आपको डिनर जो है ना वो थोड़े ही पोर्शन से आपका पेट भर जाएगा। डिनर में आप लोगों ने कैबेज सूप बनाना है, बंद गोभी का सूप। इसमें आपने लहसुन और अदरक के साथ आधा बंद गोभी का फूल लेके उसके अंदर आपने अपनी मर्जी की मजीद वेजीज लाइक टमाटो, टमाटर ऐड करना चाह रहे हैं आप, आप कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद है वो आप ऐड करके एक सूप बनाएंगे। जो नॉन वेज हैं वो चिकन के साथ सूप बनाएंगे और जो वेजिटेरियंस हैं वो सिंपल वेजीज का सूप लेंगे। ये आपने डेली सूप ही वेजी सूप कंज्यूम करना है और इसकी रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी सूप की, और मैंने यहाँ भी मेंशन कर दी है। ये बहुत बेहतरीन वेट लॉस सूप होता है क्योंकि कैबेज जो है ये एक नेगेटिव कैलोरी डाइट है, इसको हजम करने के लिए आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, तो ये आपको बहुत जल्दी वेट लॉस के नतीजे देता है। 10 डेज की डाइट प्लान करें और फिर मुझे बताएं कि आपने इससे कितना वेट लूज किया। रात सोने से पहले आप लोगों ने 1 कप ग्रीन टी लाजमी पी के सोनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ग्रीन टी अगर कभी आप उकता जाते हैं तो आप उसको लेमन ग्रास टी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक काम जो करना है वो ये है जो वेट लॉस में बहुत हेल्प करने वाला है वो है वाइटामिन डी। वाइटामिन डी धूप से हमें मिलता है और जो मोस्टली हम लोग इससे डेफिशिएंट होते हैं, और फीमेल्स में जब बेबीज के बाद सी सेक्शन के बाद मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो वाइटामिन डी की कमी का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फूलती है। आप डाइट कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडी फैट लॉस नहीं शो कर रही होती, तो आपने ये सनी डी या इन ड्रॉप डी के नाम से एक कैप्सूल आता है, 200,000 IU डोज होती है ये, मंथली डोज आप सब लोगों ने वेट लॉस स्टार्ट करने से पहले ले लेनी है, और एवरी मंथ आपने वाइटामिन डी अपना 200,000 IU जरूर लेना है।